ग्वालियर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कैंटोनमेंट के पूर्व पार्षद हत्याकांड में फरार चल रहे हैं दो आरोपियों में से एक को आगरा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने पूर्व पार्षद हत्याकांड मामले में 5 लोगों को नामजद किया था, जिनमें से अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। रात में जो पार्षद हत्याकांड में पिछले हफ्ते जो एक घटना हुई थी, जिसमें कि पार्षद को पीट पीट कर मार डाला था, जिसमें कि आईपी सेक्शन 302 के तहत 5 ज्ञात नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उसमें क्राइम ब्रांच और थाना मुरारा ने लगातार कार्रवाई करते हुए इसमें 3 आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया था। उसके बाद से 2 आरोपी फरार थे, जिसमें से कि पुलिस सचिव ग्वालियर CMS सभी सबके द्वारा 5,000 रुपये का उन पर इनाम किया गया था।